शाम को बाजार बंद होने के बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवील हुआ और जैसे ही आया यतिन ने टटोल लिया था और इसीलिए आवाज ने सबसे पहले फ्लैग ऑफ कर दिया था वो शेयर होल्डिंग पैटर्न की हाइलाइट्स। आवाज ने पिछली बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो नियर मिस हो गया था उसको भी ब्यूटीफुली हाईलाइट करा था, लेकिन अभी वो हिस्ट्री है, अभी बदल गई है तस्वीर। यतिन क्या दिखा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो एफआईआई की होल्डिंग खास तौर पे, उसके रिडक्शन के क्या मायने और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार? नीरज जी को और आशीष जी को शुभ प्रभात और हमारे दर्शकों को भी। देखिए जहां तक कि एचडीएफसी बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न का सवाल है, कल करीब 6 बजे के बाद ये शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंजेस पे एचडीएफसी बैंक ने लेटेस्ट क्वार्टर के लिए अपडेट कर दी और जो जून क्वार्टर की एफआई शेयर होल्डिंग है ये 55% के नीचे चली गई। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो एफआई का हेडरूम है और जो एमएससीआई के नियम है उसके लिए हेडरूम की जो रिक्वायरमेंट थी वो 55% के नीचे वाली एफआई होल्डिंग वाली थी। अब क्योंकि एफआई हेडरूम काफ़ी कंप्लायंस लेवल पे आ गया है, जो ब्रोकरेजेज अनुमान लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि एमएससीआई अब जो एचडीएफसी बैंक का वेटेज है वो दुगना कर देगी एग्जिस्टिंग वेटेज से। और ये जो मर्जर के बाद की एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की जो प्रक्रिया थी और जो एफआई होल्डिंग में रिडक्शन था उसके कारण ब्रोकरेजेस का एस्टिमेट ये है, क्योंकि अब हेडरूम अवेलेबल है, एमएससीआई इसका संज्ञान लेगा और कुल मिला के $3-4 बिलियन के बीच में का एफआईआई इनफ्लो अब आपको यहाँ देखने को मिलता दिखाई पड़ेगा। अगस्त में रिव्यू होगा और ये अगस्त रिव्यू का जो आउटकम हो सकता है उसके अंदर ये जो फ्री फ्लोट फैक्टर है और जो हेडरूम है इसका कैलकुलेशन जो दिखाता है वो ये दिखाता है कि अब जो एचडीएफसी बैंक में बाइंग है एफआईआई की एमएससीआई के जो बेंचमार्क है उसमें 25-35 हज़ार करोड़ के बीच में जो है बाइंग होगी और शायद इसीलिए यस्टरडे शाम से एचडीएफसी बैंक के एडीआर में भी बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। एचडीएफसी बैंक का एडीआर इस एमएससीआई इवेंट के चलते लगभग 4.5% ऊपर था। तो आज एक्सपेक्ट कीजिए ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आई है और इसका जो रेपरकशन होगा अगस्त रिव्यू में उसके कारण आज स्टॉक में थोड़ा बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया यतिन, थैंक यू सो मच सुबह सुबह हेड्स अप देने के लिए। भाई $3-4 बिलियन के इनफ्लोज अब लाइकली हैं, दरवाजा खुल गया है। एमएससीआई मोस्ट प्रोबेबली अपने अगस्त के जब वो रिव्यू कर रहा होगा तो इसका वेटेज बढ़ाएगा। आसान शब्दों में एफआईआई ने इतना बेचा कि अब मजबूरन भरना पड़ेगा। अजीब कैलकुलेशन है लेकिन ये कहानी एचडीएफसी बैंक की। अब चला जाए वीरू के पास, ये जान लिया जाए कि हमारा अब निफ्टी बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।